आज हम देखेंगे मखाना मतलब कमल के बीज से बना हुआ एक मीठा। मखाना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट तो होता ही है, लेकिन ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इससे वेट भी कम होता है, तो ये डाइट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं और ये बहुत ही उपयोगी है। तो आइए देखते हैं और बनाते हैं मखाना और डेट्स की खीर। ऐसे कई अनेक रेसिपीज़ के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल फूडी फूडी से। मखाने की खीर बनाने के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार से है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मखाना और ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने लिए हैं खजूर और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे मखाना 2 कप और खजूर। ये आप सीड या सीडलेस दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। बादाम को हमने भिगोया है, इसके छिलके निकाले हैं। फिर लिए हैं टुकड़ा काजू 1 मुट्ठी भर। जो बादाम है उसे हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी के गरम करेंगे और इसमें हम अपने नट्स को फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे हम बादाम और काजू और फिर इसे रोस्ट कर लेंगे जब तक ये हल्का हल्का सुनहरा रंग इसमें आ जाएगा। तो ये तैयार है, इसे अब हम निकाल के साइड में रखेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हमारे मखाना। ये बहुत हल्के होते हैं, तो ये 2 कप इस्तेमाल किए जो लगभग 40 ग्राम के आसपास है। अब इसे हल्का सा ब्राउन करना है और फिर एक प्लेट में निकालना है। अब इसे हम 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे। 1/2 कप जो हम ऊपर से डालेंगे, इसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो निकाल लीजिए, और बाकी का जो 1.5 कप है उसे एक ब्लेंडर में डाल के उसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे, कुछ इस तरह से। अब शुरुआत करते हैं खीर से। तो वही पैन में हम डालेंगे 750 ml दूध और इसे एक उबाल आने देंगे। जब ये उबल जाए दूध, तब एक अलग कटोरी में थोड़ा केसर लेके उस पर ये गरम दूध डाल देंगे, तो इसमें ये केसर का अच्छा सा कलर आएगा। अब दूध के उबलने के बाद इसमें डालना है मखाना और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। आप इस स्टेज में इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, तो खजूर जो है वो दूध के साथ पक जाएगा। इसे अच्छे से मिलाना है, ये गाढ़ा होता जाएगा कुछ 10 मिनट में। और फिर इसमें मिलाएंगे शक्कर। इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच शक्कर मिलाई है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे चलाएंगे, जब शक्कर पिघल जाएगी फिर इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से इस जो खीर है उसको एक क्रीमी फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे खजूर, जैसे मैंने कहा ये पहले भी आप डाल सकते हैं, केसर का दूध और जो हमारे फ्राई किए हुए नट्स हैं उसे मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे मखाना, थोड़ा सा इलायची का पाउडर और फिर इसे मिला लेंगे। इसमें हम जायफल भी डाल सकते हैं बिल्कुल हल्का सा, जिससे इसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है। इसे अब फ्रिज में ठंडा करने के लिए लगना है लगभग 1 घंटा। ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। आप इसे सर्व करते समय थोड़ा ठंडा दूध मिला सकते हैं। तो तैयार है हमारी स्वादिष्ट मखाना और डेट्स की खीर। ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द मूडी फूडी को। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ।